नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। राजधानी लखनऊ के चिरंजीव भारती पब्लिक स्कूल ने बड़े धूमधाम से दीपावली पर्व को मनाया। उसके साथ साथ उन्होंने संदेश भी दिया कि इको फ्रेंडली तरीके से दीपावली के पर्व को मनाया जाए। उसके साथ साथ संस्थापक राजा कर्नल ने बताया कि किस तरह से स्कूल परिसर में आज छात्र छात्राओं द्वारा रामायण पाठ का भी मंचन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने सुंदर प्रस्तुतियाँ दी। आइए आपको दिखाते हैं विद्यालय परिसर में हो रहे कार्यक्रम की एक सुंदर सी तस्वीरें और बच्चों की बातें भी कि उन्होंने किस तरह से बताया कि रामायण मंचन के दौरान उन्हें क्या सीख मिली और आने वाले दीपावली इस पर्व को वो किस तरह से इको फ्रेंडली तरीके से मनाने वाले हैं और किस तरह से विद्यालय के द्वारा इस दीपावली के पर्व को लेकर एक सुंदर सा संदेश जारी किया गया। चिरंजीव भारती स्कूल में बच्चों ने किया दीपावली पर रामलीला का मंचन। आपको बता दें कि राजधानी के आशियाना स्थित चिरंजीवी भारती स्कूल में शनिवार को दीपावली के अवसर पर रामलीला का मंचन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में सज धज कर आए बच्चों ने लोगों का मन मोह लिया। छात्र छात्राओं को भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, शत्रुघ्न और सीता जी की वेशभूषा में तैयार किया गया। उनके द्वारा राम रावण युद्ध का नाट्य रूपांतरण भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन कर्नल राजा राम ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए दीपावली के पर्व को मनाए जाने को लेकर रोचक जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ धर्म से जुड़ी जानकारी भी बच्चों को देनी चाहिए, जिससे बच्चे सांस्कृतिक हो सके। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य समेत स्कूल के अन्य लोग भी मौजूद रहे। हंगामा टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। भगवान राम से सीखे और अपने पथ पे दृढ़ होकर अपनी यात्रा करें और विजय प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत। जो प्रोग्राम था उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इट वॉज वेरी नाइस, आई फील्ड वेरी नाइस बिकॉज आई प्लेड अ रोल ऑफ सीता। आई रिवाइज द रामायण वंस अगेन। इट वॉज वेरी नाइस। इट वॉज एन आइडिया ऑफ आर क्लास टीचर मिस पिंकी मैम एंड शी इज माई फ्रेंड। शी प्लेड द रोल ऑफ मंत्रा। मंत्रा, यस। तो क्या सीख मिली आज जो रामायण की भूमिका में सीता आप बनी, क्या सीखा आपने? दैट वी शुड नेवर गेट लाइक be hitted by something which is like क्या नाम है आपका? माही द्विवेदी। बेटा क्या कहना चाहोगे आज के जो प्रोग्राम था, क्या सीख मिली रामायण से? टुडे वाज अ प्ले ऑफ रामायण दैट प्लेयर आवर क्लास हैज प्लेड दिस रोल ऑफ रामायण। आई हैव बिकेम अ मंत्रा। द रामायण वाज वेरी नाइस एपिक। I have get many things to learn about from this Ramayana, that we have to never quiet, we have to try and we will win once a day. Is Deepavali ko kis tarah se manane wale ho? We have to celebrate this Deepavali from without using crackers and donating clothes, sweets to the poor peoples. माई नेम इज़ आयुषी तिवारी। प्रोग्राम बहुत अच्छा था और हम लोगों ने रंगोली कॉम्पिटिशन किया और हम लोगों ने सबने पार्टिसिपेट किया। क्या नाम था? आयुषी मिश्रा। हाँ, हम लोगों ने कम्युनल हारमोनी पे रंगोली बनाई थी, मतलब सारे जो रिलीजन हैं, जितने भी धर्म हैं, वो सब एक हैं और हमारा चिरंजीव भारती स्कूल भी यही संदेश देता है।
दीपावली पर क्या कहना चाहोगे, पटाखों के लिए भी आप लोगों ने कुछ किया? हाँ, हमारे जैसे डायरेक्टर सर कर्नल सर हैं, उन्होंने इस चीज़ पे स्पेशल फोकस किया कि पटाखों लोगों को ये सीख मिले कि एक फ्रेंडली दिवाली मनानी चाहिए और हम लोग को एशियन तरीके से, जैसे राम जी 14 साल बाद आए तो वैसे ही हम लोग को दिए जलाकर सबको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। इस त्यौहार को आप कैसे मनाने वाले? इको फ्रेंडली वे में, अच्छे से मतलब दिए जलाकर, क्रैकर्स नहीं, इको फ्रेंडली, जैसे किसी को कट ना हो। क्या कहना चाहोगी आज का जो प्रोग्राम नाम रामायण का मंचन हुआ था, रामायण के जो भाग दिखाया गया था वनवास काट के लिए वो अयोध्या रहते तो उसी के खुशी में दिवाली मनाई जाती, क्या सीखा आपने और क्या कहना चाहोगे? इसने बताया कि इको फ्रेंडली तरीके से हमें इस त्यौहार को मनाना है, स्कूल में किसने जागरूकता अभियान शुरू सर? पहली बात, बहुत ही अच्छा फंक्शन हमारे स्कूल ने करवाया और जो कर्नल सर हैं उन्होंने बहुत ही मोटिवेशन दिया। हर बार जब भी कोई भी फंक्शन होता है कर्नल सर बड़ी सी स्पीच देते हैं, उसमें बताते हैं कि लाइफ में कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे सक्सेस पानी है और प्रैक्टिस कैसे करना है, ये जरूरी है। तो बहुत ही अच्छा लगा, प्लस रंगोली कॉम्पिटिशन था हमारा। रामायण क्या सीखे जी? रामायण में ये सीखे कि अगर कुछ पाना है तो त्याग को करना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ से उस अयोध्या से अगर राम नहीं आते तो राम राम नहीं होते। ठीक है बेटा, आज का जो फंक्शन था किस तरह का था, क्या सीख मिली, क्या कहना चाहूँगा? मुझे फंक्शन आज का बहुत अच्छा लगा और कर्नल सर ने जो सीख है वो बहुत अच्छी लगी। कर्नल सर हमेशा हमें आगे एडवाइस करते हैं कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए और बहुत अच्छा लगा। रामायण बहुत अच्छे से छोटे बच्चों ने की, क्या कहना चाहोगी इस दीपावली को किस तरह से मनाना चाहिए? दीपावली को मनाना चाहिए रंगों से और रंगोली बनानी चाहिए। लाइट्स का त्यौहार है लेकिन हमें कम से कम पटाखे चलाना। रहने वाले पर्व को लेकर जो दीपावली है, कहीं ना कहीं प्रदूषण की बड़ी समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्याएं होती हैं, उसके साथ साथ आने वाले पर्व को चिरंजीवी भारती जो विद्यालय है वो किस तरह से मना रहा है, उसके साथ साथ किस तरह की अपील जो छात्र हैं, जो उनके अभिभावक हैं, जो क्षेत्र की जनता उनके लिए करना चाहता है? जय हिंद जय भारत। मैं कर्नल राजा, मैनेजिंग डायरेक्टर चिरंजीवी भारती स्कूल। आज हमारे विद्यालय ने दीपावली के पर्व के ऊपर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। बच्चों ने भगवान राम के चरित्र का अनुसरण करते हुए, जैसे भगवान राम ने 14 साल वनवास और कठिन परिश्रम और संयम को बरकरार रखते हुए विजय हासिल की, ये बुराइयों पे अच्छाई की जीत है। दिस इज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द इविल। मेरे बच्चों ने भगवान राम के चरित्र को देखते हुए उनका आश्रण करने के बाद उन्होंने भी संकल्प लिया कि हम भी 14 साल का वनवास करेंगे और आने वाले 14 साल के बाद हम भारत की हर प्रतियोगिताओं में अव्वल दर्जे का स्थान हासिल करेंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या कोई और कोई कंपटीशन लाइक एनडीए या क्लैट या कोई भी कंपटीशन हो, उसमें वो विजय हासिल करेंगे। हमारे बच्चों ने पर्यावरण को लेके इस साल से बराबर पटाखा का बहिष्कार करना
और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। बच्चों का एक बहुत बड़ा संदेश जो इस पर्व के ऊपर भाईचारे का है, उन्होंने नाटक वचन से प्रस्तुत किया, जिसमें हम सबको एक सीख देती है कि हम सब भाईचारा का इतना प्रोत्साहित करें कि पिछले मतभेदों को भुलाकर अच्छे नए रिश्तों की शुरुआत करें। हमारे बच्चे, इन्होंने एक और बहुत अच्छा संदेश दिया भगवान राम को, चरित्र को सब अनुसरण करते हुए उन्होंने आज्ञाकारी बनना, दृढ़ संकल्प बनना, साथ में उन्होंने किसी विपत्तियों में संयम को बनाए रखना, ये भगवान राम के अनुसरण के बाद उन्होंने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। संपूर्ण रामलीला का उन्होंने बहुत थोड़े समय में नाटक वचन द्वारा ऐसी लीला प्रस्तुत की, मात्र 30 मिनट में पूरी रामलीला ही उन्होंने मंच द्वारा प्रस्तुत कर दी। मैं चंजू भारती स्कूल की तरफ से अपने अभिभावक, बच्चे और अपने क्षेत्र की समस्त जन समुदाय के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।